नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय सिंह आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का एक टॉपिक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ये पहले से पढ़ा भी है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि अगर ये पेपर में आ जाएगा तो आपको वो जो भी आज मैं समझाऊँगा वो आप पेपर में आपके लिए एक यूज़फुल होगा। तो आइए बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका हिंदी मतलब होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया कि ऐसे नाम जिनसे हमें कभी पता नहीं चलता कि काम करने वाला कौन है। जैसे मैंने कहा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन कौन, लड़का या लड़की, ये हमें नहीं पता। जैसे कहा गया कि किसी ने बाजार में गोली चला दी, अब भाई किसने चला दी हमें नहीं पता, लड़के ने चलाई कि लड़की ने चलाई हमें नहीं पता। तो जब हमें ये पता ना चले कि काम करने वाला लड़का है या लड़की, तब आप ये मान के चलें कि ऐसे सभी शब्दों को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जब इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं तो डेफिनेट प्रोनाउन भी होते होंगे। अब डेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, निश्चितवाचक सर्वनाम। अब निश्चितवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आई है, ही, सी, इट, दे, वी और यू। यहाँ पे दोस्तों हमने वन को नहीं लिया है, क्योंकि वन हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा, वन हमारा इनडेफिनेट की कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि यह कभी भी ये दिखाता नहीं है कि ये किसी लड़की के लिए बात कर रहा है या किसी लड़के के लिए बात कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे वन किस में चला जाता है, इनडेफिनेट की कैटेगरी में चला जाता है। दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक को कहते हैं लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी सजीव अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इनकी पहचान क्या होती है, तो आप समझ जाइए जिसके पीछे वन लगेगा और जिसके पीछे बडी लगेगा। बच्चों आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, जिसके पीछे वन लगेगा और जिसके पीछे बडी लग जाएगा, आप समझ जाइए कि वो हमारे लिए कौन सा, भाई कौन सा वाला हमारा सर्वनाम है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे एवरीवन, आप कहेंगे एवरीबडी, इसी प्रकार से आप कहेंगे समवन, आप कहेंगे समबडी, इसी प्रकार से आप कहेंगे नो वन, आप कहेंगे नोबडी, इसी प्रकार से एनीवन और यहाँ पे कहेंगे आप एनी बड़ी। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड होते हैं जिसके पीछे बड़ी और बन लग के आता है, वे सभी के सभी हमारे नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिनके पीछे थिंग लग के आएगा। बच्चों जिनके पीछे थिंग लग के आएगा समझ जाइए वो नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी एवरीवन से एवरीथिंग, आप यहां एवरीथिंग लिख सकते हैं, समथिंग हो जाएगा बच्चों, इसी प्रकार से यहां हो जाएगा नथिंग, इसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा एनीथिंग। तो ऐसे सभी के सभी शब्द जिसमें थिंग लग के आएगा वो हमारे नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। बच्चों इसी नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपवाद होते हैं, उन अपवाद पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपवाद का मतलब हो गया कि उनको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपका ट्री हो गया, आपका चाइल्ड हो गया, आपका बेबी हो गया, आपका इन्फेंट हो गया, ये हमारी किस कैटेगरी में जाते हैं, हमेशा नॉन लिविंग की कैटेगरी में जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को याद रहे, इसे नवजात शिशु कहते हैं, ऐसा बच्चा जो अभी हाल ही में पैदा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इन सब में तो जान होती है, भाई ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में कैसे आ गए, तो मैं आपको बता दूँ ऐसी हर चीज़ एक नॉन लिविंग कैटेगरी में आती है जो हमारे किसी एक्शन को रिप्लाई नहीं करती या हमारे एक्शन का रिएक्शन नहीं करती है, वो सभी चीज़ें हमारी नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे होंगे कि जैसे ट्री माने पेड़, अब पेड़ को आप अगर काटते हैं कुल्हाड़ी से तो पेड़ भाई आप में थप्पड़ तो मारता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आपके किए हुए किसी एक्शन का रिप्लाई करता हो। उसी प्रकार से चाइल्ड, बच्चा, बच्चे में अगर आप थप्पड़ मारेंगे जरूरी नहीं वो रो जाएगा, जरूरी नहीं है वो रोएगा, वो आपकी नकल कर सकता, आप में भी थप्पड़ मार सकता, हो सकता है खिलखिला के हंस दे, तो ये आपके किसी एक्शन को रिप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारी नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। बच्चों एक छोटी सी बात कि जैसे मान लीजिए भाई
जितने भी लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, मैंने आपसे कहा पता नहीं चलता है कि लड़का है या लड़की, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मैं कहूं कि किसी ने मेरा पर्स चुराया है, अगर किसी ने पर्स चुराया है तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज उस चोर की जो बनेगी वो एक मेल की बनेगी कि फीमेल की बनेगी? स्वाभाविक सी बात है किसी मेल की ही बनेगी, यानी किसी लड़के की बनेगी, किसी लड़के ने चुराया है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि बाहर बाजार में किसी ने कत्ल कर दिया, तो वो उस जिसने कत्ल किया है उसकी इमेज किसकी बनेगी? एक लड़के की ही बनेगी, लड़की की नहीं बनेगी। तो हमारा जो समाज है वो एक तरीके से पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक जो परिवेश है जिसमें हम जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो एक पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना से परिपूर्ण है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सत्ता है वो पुरुष की सत्ता है, इसीलिए हमारे दिमाग में सबसे पहले जो छवि बनती है वो एक मेल की बनती है, एक लड़के की बनती है, आदमी की बनती है, कभी भी लड़की की नहीं बनेगी। तो आप उस चीज़ को देखते हुए, जैसे मैंने कहा था कि भाई कोई दरवाजे पर खड़ा है, स्वाभाविक सी बात है कोई लड़का ही खड़ा होगा, यही चीज़ हम सबसे पहले सोचेंगे। तो जितने भी हमारे लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इन सब को हम बच्चों इक्वल टू ही मानते हैं। आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू ही मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इन सब को एक मेल की तरह, यानी कि एक पुरुष की तरह ही हम इनको व्यवहार करेंगे। भाई जितने भी हमारे लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उनको हम ही मानेंगे, और जितने भी हमारे नॉन लिविंग हैं, आप जानते हैं जितने भी नॉन लिविंग हैं इनको तो हम एक ही चीज़ से डोनेट करते हैं, वो है हमारा इट, इसको हम इट मानेंगे। तो यहाँ कोई दोहराए या आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर बता देता हूँ कि लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें वन और बडी आ जाए, और नॉन लिविंग जिसमें थिंग आ जाए, ठीक है? ये कुछ अपवाद हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो इन सभी को मानेंगे हम ही, और इन सभी को मानेंगे हम इट। तो आप मान के चलिए, अगर मैं इनका पूछूं कि एवरीवन अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वही इनका भी ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो इट का जो ऑब्जेक्ट होगा वही इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे, आगे की जितनी भी जैसे पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, पजेसिव प्रोनाउन हुआ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, सभी कुछ ही और इट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं आपके सामने, आप देख पा रहे हैं 8 एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों लिखा हुआ एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, आप जानते हैं दोस्तों एवरीवन आ गया, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था? हिज यूज होना चाहिए था। कारण सब्जेक्टिव फॉर्म में जरूर ये एवरीवन लिखा है, लेकिन इसे हम क्या मानते हैं? ही मानते हैं, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। देयर कभी नहीं हो सकता था क्योंकि हम इसे दे मानते ही नहीं हैं। आगे तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, लिखा है नो वन हैज या हैव। दोस्तों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब हम इनको ही मानते हैं तो ही तो हमारे लिए सिंगुलर फॉर्म है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो देखिए नो वन के साथ में आप क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, यहाँ पे हैव गलत हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बच्चों, देयर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? हिज यूज होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, नो वन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। पहला सेंटेंस था एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, प्रत्येक को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है नो वन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया है। तीन नंबर क्या कहता है दोस्तों? एवरीथिंग हैज या हैव, एवरीथिंग की बात हो रही है। अब एवरीथिंग की बात हो रही है, इट है, इट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों? हैज यूज होगा, हैव यूज नहीं होगा। और एवरीथिंग को इट मानते हैं इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? इट्स यूज हो जाएगा दोस्तों। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? एवरीथिंग has its own limitations, यानी प्रत्येक की अपनी एक सीमाएं या अपनी एक सीमा होती है। बात करेंगे फोर्थ नंबर दोस्तों, यहाँ पे वन लिखा हुआ है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वन हमारे लिए किस कैटेगरी में चला जाता है? अनिश्चित किस कैटेगरी में चला जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में चला जाता है। तो वन का अगर ऑब्जेक्ट ढूंढोगे तो वन ही रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव ढूंढोगे तो वंस हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन वंस हो जाएगा जो बिना एपोस्ट्रोफी वाला होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वंस सेल्फ हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, वन शुड रिस्पेक्ट, यहां पे क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था आपका वंस कंट्री, यानी वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, यानी हर एक को या प्रत्येक को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। बात करते हैं पांच नंबर दोस्तों, लिखा हुआ है द चाइल्ड, बच्चा। अब देखिए दोस्तों ये चाइल्ड किसमें आएगा भाई? इट, यानी ये हमारा नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए बच्चों? हर सेल्फ की जगह यूज होना चाहिए था यहाँ पे इट सेल्फ। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। द चाइल्ड क्राइड इट सेल्फ, बच्चा खुद या खुद से रोया। बात करते हैं सात नंबर की दोस्तों, लिखा हुआ है इफ एनीवन, आप देख पा रहे हैं दोस्तों एनीवन आ गया,
ये हमारे लिए कौन सी कैटेगरी में आ गया, लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में, ही मानेंगे इसको, सब कुछ ही के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप जब ही के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमारे हमेशा सिंगुलर रहेगी। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है वॉन्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ लिखा है वॉन्ट्स, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म यूज हो रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लुरल होती है, वर्ब की पांचवी फॉर्म जो होती है जिसमें एस और यस लग के आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। तो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होना चाहिए, वॉन्ट्स यूज होना चाहिए, ये वॉन्ट यूज नहीं होगा। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू विन दिस रेस, यदि कोई चाहता है इस रेस को जीतना, सी यूज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जीतना कौन चाहता है, एनी वन, और एनी वन के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा यहाँ पे, ही यूज होगा दोस्तों। तो क्या यूज हो जाएगा, ही हैज टू रन फास्ट, यानी उसे तेज दौड़ना होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। सात नंबर देख लेते हैं, लिखा हुआ इफ एनी गर्ल, दोस्तों आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनी गर्ल। अब आप इस चीज को जरा समझते हुए चले कि ना तो यहाँ पे बड़ी आया है, ना यहाँ पे वन आया है, और ना ही यहाँ पे थिंग आया है, यानी ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी से बाहर है। तो एनी गर्ल, गर्ल की बात हो रही है, यानी एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए हम इसको क्या मान के चलेंगे दोस्तों, इसको हम सी मान के चलेंगे, ये हमारे लिए सी का काम करेगा भाई। ये हमारे लिए आप देखें एनी के बाद में ना तो बन है, ना बडी है, ना थिंग है, इसका मतलब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी से बाहर है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, डेफिनेट कैटेगरी में आएगा। डेफिनेट कैटेगरी यानी इसको क्या बोलेंगे, गर्ल के अकॉर्डिंग कोई लड़की बात हो रही है, कोई लड़की, कोई लड़की यानी कि सी। क्या कह रहा है, इफ एनी गर्ल यानी कि सी की बात करेंगे, वॉन्ट या वॉन्ट्स, एक ही लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉन्ट्स यूज होगा, वॉन्ट यूज नहीं होगा। टू विन दिस रेस ही हैज टू रन फास्ट, नहीं बच्चों यहाँ पे ही नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे सी यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हैज टू रन फास्ट। आठ नंबर का देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, लिखा हुआ इफ सम स्टूडेंट्स, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी जब सम के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे ना तो बड़ी है, ना वन है, ना थिंग है, जब इनमें से कुछ भी नहीं है और स्टूडेंट्स लिख के आ रहा है, तो इस कैटेगरी को हम डेफिनेट कैटेगरी में रखेंगे और इसको क्या कहेंगे, दे कहेंगे हम। क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई लिखा हुआ है दोस्तों स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इफ सम स्टूडेंट्स वॉन्ट या वॉन्ट्स। अब जब दे है, लोग ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, पांचवी फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इफ सम स्टूडेंट्स वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज, यदि कुछ छात्र चाहते हैं भाग लेना इस क्विज, क्विज माने पहेली में। अब लिखा हुआ है दोस्तों यहां पे ही, अब आप ध्यान देंगे ही हमारा सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता, अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स हमको इसको चेंज करना होगा। क्या चेंज होगा, यहां पे दे चेंज हो जाएगा, यहां पे दे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हैज कभी यूज नहीं होगा दोस्तों, हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है, दे के साथ हैव लगाना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है टू रजिस्टर, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे दोस्तों हिज भी यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा। तो यहां पे दोस्तों ये गलतियां हमें बिल्कुल बहुत बारीक गलतियां थी, इसी टाइप की गलतियां आती हैं पेपर में, मिलती भी हैं, और हमको इनको समझना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों इफ सम स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉन लिविंग या लिविंग इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी से बाहर हो गया। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये है ही नहीं, डेफिनेट में आ गया, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आ रहा है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर वन, बडी और थिंग के अलावा कुछ और आएगा तो वो कैटेगरी डेफिनेट में चली जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन एग्जाम्पल्स के साथ में ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलता हूँ आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।